हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? जय श्री राम। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना है आप लोगों को। तो आज का मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बस नॉर्मली लगा कि मुझे आपसे बात करना है, तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। और बात मतलब आपसे बात करने आई हूँ एक्चुअली। और सेकेंड ये था कि जस्ट अभी मेरा फोन कॉल ख़त्म हुआ है, थोड़ा देर हुआ है, तो मैं अपनी टेंशन आप लोग के साथ शेयर करने आई थी। तो टेंशन मतलब टेंशन नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। आज हमको सर ने बोला है कि हमारा 1 तारीख से मतलब जॉब शुरू हो जाएगा, मतलब ऑफिस शुरू हो जाएगा। तो वो तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि घर में रह रहे के बहुत बोर हो चुके थे, और बहुत बोर होता था सच में। मतलब हर दिन भी कितना कर रहे हैं, बट फाइनली शुरू होने वाला है हमारा ऑफिस, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं रोज पापा से प्रे करती थी कि जल्दी जल्दी शुरू हो जाए, तो वो होने वाला है। तो सबसे पहला मेरा काम तो ये रहेगा कि मैं अपनी अलमीरा जमाऊँ, क्योंकि मेरा अलमीरा बहुत 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 मैशी है, बहुत ज़्यादा मैशी है। मैं क्या करती हूँ, मतलब ना रोज़ कपड़े तो वेयर करती थी, लेकिन वैसे अभी भी होती थी, चलो ठीक है मैं कल कर लूँगी कल कर लूँगी, बट वो मेरा कल कभी आता ही नहीं था। आज मेरा वो आज आ गया। देखिए बहुत टाइम ऐसा होता है कि मैं बहुत डिले भी करती हूँ, मतलब ठीक है ना आज नहीं करते कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, कोई बात नहीं, ऐसा मेरा रहता था। बट अब वैसा नहीं करना है बिल्कुल भी, तो मुझे मेरा काम कम्प्लीट करना है। तो चाय पीने का मन कर रहा है तो चाय पीते हैं। तो मम्मी ने बनाया है पराठे, तो अपन खाएंगे पराठे, तो चलो मेरे साथ। टी टाइम हो चुका है, वैसे मैंने ये ब्लॉग अभी शाम को स्टार्ट किया, जस्ट अभी कॉन कॉल ख़त्म हुआ, थोड़ा देर हुआ, तो मैंने सोचा आप लोग से बात कर लूँ, उसी बहाने एक ब्लॉग बन जाएगा मेरा और एक छोटा सा वीडियो आप लोग के साथ शेयर हो जाएगा। मम्मी ने पराठे रेडी करके रखे हुए थे, तो मैं ऐसे कर रही थी गैस पे क्रिस्पी, और इसमें लगा रही थी बटर टेस्ट का टेस्ट और अच्छा लगता है। और चाय भी रेडी थी, तो मैं ऐसे कर रही थी गर्म। तो चलिए चाय और पराठे खाते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा चाय पी के भी हो गया, पराठा खा के भी हो गया। अब मैं जा रही थी अपने कपड़े खड़ी करने के लिए, तो मम्मी ने मुझे बोला कि यार प्लीज रात का डिनर बना दो, तो मैंने बोला ठीक है करके। तो मैंने सोचा पहले डिनर बना लेती हूँ, देन उसके बाद फिर अपना काम करती हूँ। तो चलिए फिर अभी मैं डिनर बना रही हूँ, तो अब डिनर देख लेते हैं क्या बन रहा है, देन उसके बाद करती हूँ मैं फिर अपना काम। तो चलिए डिनर कर, तो चलिए अब हम बनाते हैं वेज पुलाव और कढ़ी। इसका प्रिपरेशन मैंने पहले से करके रखा हुआ था, तो फिर अब चलिए बनाते हैं। कोहिनूर बासमती राइस, जिसे आधा घंटा पहले भिगो के रखना पड़ता है, तो मैंने इसे भिगो के रखा हुआ है। ये जो आलू है उसे फ्राई किया हुआ है, ज़्यादा फ्राई नहीं किया हुआ है, सिर्फ तेज आंच में फ्राई किया हुआ है कलर के लिए। और सेम कुछ वेजिटेबल्स है जिसमें बीन्स है और गोभी है, इसे भी मैंने हल्का सा फ्राई किया हुआ है, मतलब सिर्फ तेल में तला हुआ है तेज आंच पे सिर्फ कलर आने के लिए। मैं यूज़ करती हूँ अदरक लहसुन हरी मिर्ची और संभार का पेस्ट है जो रेडी करके रखा हुआ है मैंने, पता नहीं आप लोग को ब्लर दिख रहा है शायद से, और कुछ प्याज काट के रखे हुए हैं और हरी मिर्च जो मैंने खड़ी काटी हुई है, और एक नींबू लिया हुआ है। और खड़े मसाले में मैंने जो लिया हुआ है वो है काली मिर्च है, बड़ी काली मिर्च है, कलमी है, और थोड़ा सा जीरा है। तो राई तड़प चुका है, तब मैं डाल रही हूँ इसमें सारे मसाले जो सूखे मसाले थे, और ये था बड़ी इलायची, तो अभी मैं डाल रही हूँ इसे। इसके बाद मैं डाल रही हूँ खड़ा ये पेस्ट जो मैंने बना के रखा हुआ था। तो इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे प्रॉपर तरीके से, और ये थोड़ा डार्क ब्राउन होने तक का इसे मिक्स मतलब पकने देंगे, प्याज थोड़ा डार्क ब्राउन हो जाए तो उस तरीके से इसे मिक्स करेंगे, डार्क ब्राउन भी नहीं तो हल्का ब्राउन होने तक का इसे पकने देंगे। आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। लाल मिर्च पाउडर जितना तिक्कट खा सकते हैं उतना, हम लोग थोड़ा स्पाइसी खाते हैं। फिर हल्दी, धनिया पाउडर, गोड़ा मसाला मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए, और ये डाल रही हूँ बिरयानी मसाला, इसे मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, हल्का सा डाल रही हूँ सिर्फ टेस्ट के लिए। तो सारा डाल दिया अभी इसे मिक्स कर लेती हूँ, वन साइड ही मैं करती हूँ सारा मसाला अलग और ये अलग।
अब मैंने जो सब्जियां फ्राई करके रखी हुई थी वेजिटेबल्स वो डाल देती हूँ, तो ये एक साइड में होता रहेगा। तो ये सारा भी एक साथ मैं डाल दे रही हूँ, तो फिर इसे कैसे पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी मैं इसमें करने वाली हूँ मिक्स चावल जो मैंने भिगो के रखा हुआ था पहले से, कोहिनूर का बासमती राइस। एक्चुअली इसका हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बट आज मम्मी बोली बना दो तो बना रहे हैं। अदरवाइज फिर हम लोग या तो फिर नॉर्मल राइस यूज़ करते हैं या फिर कनकी जो रहता है उसका, कनकी का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो हम लोग कनकी का भी बनाते हैं। बट दीदी भी अभी बोल रही थी कनकी का बनाना था, बट ये पहले मैंने भिगो दिया था इस वजह से फिर यही बनाना पड़ा। मुझे भी ये राइस उतना मतलब ये नहीं लगता है, मतलब मन से ऐसा कुछ पसंद नहीं आता है, तो ठीक है मम्मी खाती है इसीलिए यही बना लेते हैं। तो देखिए अभी से निकाल लिया मैंने, अभी से मिक्स कर लेती हूँ उसको भी अच्छे हल्के हाथ से मिक्स करना रहता है क्योंकि चावल पे टूटने का डर होता है इस वजह से, तो इसमें थोड़ा सा भूंज लेंगे। इसमें मुझे यूज़ करना था गर्म पानी, तो मैं गर्म पानी रखना भूल गई थी, तो अभी आप देखिए गर्म पानी जल्दी हो जाएगा, चावल थोड़ा भूंज ले तब तक पानी भी हो जाएगा। गर्म पानी यूज़ करने से चावल खिला खिला बनता है, इसलिए मैं गर्म पानी यूज़ करती हूँ। अगर मैं ठंडा पानी डालूंगी तो फिर चावल टूटने का डर रहता है। तो पानी भी हल्का सा गर्म हो चुका है, मैं मतलब पहले भी बोली थी कि जितना मैं नाप लेके चावल लेती हूँ ना उतना ही मैं डबल उसका पानी डालती हूँ, तो मैंने इसका 3 कटोरी चावल लिया था ये वाला, तो अभी मैं उसका पानी डबल लूँगी मतलब 6 कटोरी, और इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी लगता है तो मैं 2 कटोरी एक्स्ट्रा डालूँगी इसमें पानी। तो देखो मैंने इसमें पानी डाल दिया, मैंने थोड़ा स्टॉप कर दिया था क्योंकि गर्म था पानी तो इसीलिए। तो अभी देखो ये पूरा पानी चावल डूब चुका, उतना मैंने पानी डाल दिया, अब ये पकता है थोड़ा, तब तक हम करते हैं कढ़ी की तैयारी। तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर देती हूँ क्योंकि अभी ये हो चुका है इसीलिए। लोग इसे तो चावल थोड़ा सा पक चुका है, चाहे तो लेमन डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी डाले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेमन डालने से चावल और खिला खिला सा बनता है। उसे फेंट लेते हैं अच्छे प्रॉपर तरीके से, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा क्योंकि वो थोड़ा ऊपर है मोबाइल इसलिए। तो ये देखिए इस तरीके से फटा रही है दही, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा सोप, इससे अच्छा टेस्ट आता है, सूखी मिर्ची, कड़ी पत्ता, 2-3 लहसुन की कली और हींग। डालेंगे इसमें हल्दी थोड़ा सा, व्हाइट अगर बनाना है तो व्हाइट बना सकते हैं, येलो वाली बना लीजिए। तो ये मसाला इसका भुंजा गया है, तो अपन ने जो दही और वो फेंट के रखी थी मैंने वो डाल दी। तो ये तो छौंका आना चाहिए, इससे कड़ी का टेस्ट अच्छा आता है। जितना पतला जितना गाढ़ा चाहिए उतना पानी डाल सकते हैं। तभी से थोड़ा सा ढकने देंगे, तो ये कड़ी भी रेडी है। इसमें डालेंगे हल्का सा शक्कर, जो मैं भूल गई थी। तो देखते तब तक चावल रेडी हो गए। सो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको पुलाव, वेज पुलाव और कढ़ी? एक्चुअली घर पे सिर्फ रखा था गोभी और बीन्स रखा हुआ था, तो मैंने उसी का बना लिया। मम्मी बोले पुलाव बना दो फिर, तो फिर मैंने वेज पुलाव बना दिया उसी का ही जो घर पे रखा हुआ था उसी का ही। और सच में बहुत टेस्टी बना था, और कढ़ी भी बहुत टेस्टी बनी हुई थी। एक्चुअली कढ़ी मेरे को बहुत ज़्यादा जमती नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ, तो कढ़ी भी बहुत अच्छी बनी थी और वेज पुलाव तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था, बहुत ज़्यादा सच में। सो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ मेरे ये रेसिपी, मेरा ये खाना, और तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और मुझे बहुत सारा सपोर्ट करिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। सो एक्चुअली कल मैं व्लॉग क्लोज़ नहीं कर पाई थी, तो मैं मॉर्निंग में क्लोज़ कर रही हूँ अभी। तो कल एक्चुअली ये भी हो गया था कि मैंने बोला था कि मैं कपड़े खड़ी करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा था कि पहले मैं खाना बना लेती हूँ, देन उसके बाद फिर मैं अपना अलमीरा जमाऊँगी या अलमीरा साफ़ करूँगी,
तो ऐसा कुछ हो नहीं पाया। एक्चुअली मैं बना रही थी, जब वीडियो मैं शूट करने के लिए गई तो मेमोरी फुल हो गई थी मोबाइल की, और फिर सोचा कि मैं कुछ डिलीट करूँ, तो डिलीट करने का कोई ऑप्शन था ही नहीं क्योंकि पहले से ही मैंने क्लीन करके रखा हुआ था सब कुछ, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है मम्मी के मोबाइल में भी, तो वो जल्दी पता नहीं फुल हो गई थी मेमोरी, और एक मेरी वीडियो करप्ट भी हो गई थी, तो फिर मुझे आज उसको रिपीट शूट करना पड़ा। तो आपको दिख जाएगा बीच में कि मैंने कौन सा रिपीट शूट किया था। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कल, मुझे बहुत रोना आ रहा था सच में, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी मेरा अलमीरा भी, बट वो नहीं हो पाया, लेकिन मेरा काम हो चुका है, मैंने अलमीरा अपना सेट कर लिया है, पर बहुत मोड ऑफ था मेरा वाला, पर मैं कर भी कुछ नहीं सकती थी उसका। तो फिर आज जैसे तैसे मैंने मोबाइल चेक किया, थोड़ा बहुत यूट्यूब में चेक किया कि क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए, तो अभी तो थोड़ा सा मेमोरी मतलब क्लीन हुआ है, पता नहीं स्पेस अभी मिली है थोड़ी सी, तो मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ब्लॉग भी अपना क्लोज करना था, मैंने अभी तक एंड नहीं किया था, तो मैं आज तो ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी आप लोग से, बस जितना था उतना ही, क्योंकि थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ना ऐसा हो जाता है कि मैं ब्लॉग अगर मैंने बना लिया तो फिर उसकी स्पेस मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, और अभी तो ऐसा भी हो रहा था कि मैं काइनमास्टर में वीडियो एडिट करती हूँ ना, तो एक्सपोर्ट करने के समय ना वो भी वीडियो मेरी पता नहीं करप्ट हो जा रही है। मेरी एक वीडियो ऐसे ही हो गई, मैंने अपने फ्रेंड्स के बर्थडे का वीडियोस बनाया था, मतलब उसका शूट किया था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, शॉर्ट ही था, तो वो मैंने पूरा सब कुछ सेट कर लिया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन जब वो एक्सपोर्ट हो रही थी ना तो वो 2 से 3 बार मैंने ट्राई किया बट वो हो ही नहीं पाया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही थी उसमें, तो वो फिर बाद में उसकी फाइल करप्ट बता दी, तो मुझे पूरा वीडियो डिलीट मारना पड़ा था, मुझे बहुत अखरा रहा था वो चीज़, क्योंकि मैंने इतना मेहनत किया था उसके लिए, सो वो पॉसिबल नहीं हो पाया, वो अब तक पहुँच ही नहीं पाई, और फिर मुझे उसे डिलीट मारना पड़ा। तो खैर कोई बात नहीं, होता है कभी कभी ऐसा, बट मेरे साथ तो पता नहीं बहुत बार हो रहा है, मैं तो होता है बोल रही हूँ लेकिन बहुत बार हो रहा है मेरे साथ में, तो खैर कोई बात नहीं, देखेंगे आगे अभी और क्या कर सकती हूँ मैं अभी। सो आज की मेरी वीडियो यहीं तक की थी, तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय साई राम, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं अपनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।